हेलो बच्चों, कैसे हैं? कर रहे हैं एप्लीकेशंस? एक्सरसाइज 9.1 में हम लोग थे, 3 क्वेश्चन हमने किया था। लास्ट क्वेश्चन आपको याद होगा, नहीं याद होगा तो फिर वीडियो आपके सामने है, खोलिए देखिए। कॉन्ट्रैक्टर वाला, बच्चों से 2 बच्चों को बनाना था स्लाइड, याद करो। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4th पे। क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। किसी ग्राउंड से टावर के टॉप को देख रहे हैं जो कि ग्राउंड से 30 मीटर दूरी पे है, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। सपोज ये, चलो इसको 2 भागों में बांट लेते हैं। ये हमारे पास टावर है, ये हमें 30 डिग्री दे रखा है और डिस्टेंस टावर के फुट से हमें ये भी दे रखा है 30 मीटर। सपोज ए बी इज योर टावर एंड सी इज द पॉइंट एट वेयर ऑब्जर्वर आर वॉचिंग द टॉप ऑफ द टावर, दैट इज द मेजर 30 डिग्री। देन वी नीड टू फाइंड द हाइट ऑफ टावर। बहुत ही आसान है ये, देखिए, लेट ए बी इज टावर, बी सी इज गिवेन 30 मीटर एंड थीटा इज गिवेन 30 डिग्री। सो इन ट्राइंगल ए बी सी 10 30 डिग्री। अब 10 क्यों लिया बेटा? बिकॉज फॉर दिस एंगल BC is our base and we need to find AB, that is the hypotenuse and that is the perpendicular. Perpendicular and base related with 10. So 10 30 degree is equal to AB upon BC, or 10 30 degree it is the 1 upon root 3 is equal to AB upon BC is your 30. Now AB into root 3 is equal to 30. और ए बी इज इक्वल टू 30 अपॉन रूट 3, √3 × √3, बिकॉज वी नीड टू रेशनलाइज इट। सो ए बी बिकम्स, दिस इंप्लाइज ए बी इज इक्वल टू 30√3/3, 3 10 जा आर आप ए बी इज इक्वल टू 10√3। So we need to find the height of tower. We should write here height of tower is equal to 10√3 meter is your answer. In fact, अगर क्वेश्चन में हमें रूट थ्री का वैल्यू गिवेन होता तो हम 1.73 लेते, हमें गिवेन नहीं है, हम ऐसे ही कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 5th, क्वेश्चन नंबर 5th कह रहा है अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। वाओ, काइट इज हेयर 60 मीटर अबव द ग्राउंड, दैट मीन्स दिस इज गिवेन 60 मीटर एंड अ पर्सन इज वॉचिंग द स्ट्रिंग स्ट्रेच टू द काइट इज टेम्पररीली टाइट। ये जो स्ट्रेच, ये जो काइट को यहां से बांधा, यहां आपका काइट है, इस पॉइंट पे आपका ये काइट है, दिस इज योर ए बी सी एंड इट इज 60 डिग्री। वी हैव गिवेन जो टाइटली है और 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। देन वी नीड टू फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक, यानी कि मुड़ा हुआ स्ट्रिंग में कुछ भी नहीं है, स्ट्रिंग जो है यानी धागा जो है ना वो बिल्कुल टाइट है, कहीं भी उसमें मुड़ा हुआ नहीं है। तो आपको फाइंड आउट करना हाउ लॉन्ग इज द स्ट्रिंग। सो लेट ए सी इज लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का लेंथ क्या है? एसी। अब
हाइट यानी ए बी इज इक्वल टू 60 मीटर एंड थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री. नाउ फॉर दिस एंगल इट इज आर परपेंडिकुलर एंड वी नीड टू फाइंड हाइपोटेन्यूस. सो वी नीड साइन. साइन 60 डिग्री, दिस इज योर 60 डिग्री. साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी. ए बी अपॉन ए सी. अब हमें 60 डिग्री का वैल्यू लेना. दिस इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री. 60 डिग्री इज आवर रूट थ्री अपॉन टू इज इक्वल टू ए बी. ए बी वी हैव गिवेन 60 अपॉन ए सी. इट बिकम्स ए सी इंटू रूट थ्री इज इक्वल टू 2 इंटू 60 और रूट थ्री को हम इधर ले जाएं. ए सी इज इक्वल टू 120 अपॉन रूट थ्री. वी नीड टू रेशनलाइज बाय रूट थ्री और ए सी इज इक्वल टू 120 रूट थ्री अपॉन में 3. कट इट, व्हाट वी गेट 40. सो ए सी इज इक्वल टू 40 रूट थ्री मीटर और लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल टू 40 रूट थ्री मीटर इज योर आंसर. क्वेश्चन नंबर 6, लेंथ हमें निकालना, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. क्वेश्चन नंबर 6 इज हियर. मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग. दैट मीन्स वी हैव गिवेन अ बिल्डिंग हूज हाइट इज गिवेन 30 मीटर एंड अ टॉल बॉय 1.5 मीटर टॉल बॉय इज हियर. ओके, 1.5 मीटर टॉल बॉय इज हियर. अब नाउ 30 मीटर द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग इंक्रीज फ्रॉम 30 टू 60. दैट मीन्स व्हेन ही वॉच फ्रॉम हेयर देन दिस एंगल इज 30 डिग्री बट व्हेन बॉय रीच हेयर दिस पॉइंट देन एंगल फ्रॉम टॉप दिस इज 60 डिग्री. Then it is 60 degree. Find the distance he walked. Then we need to find this one, X. Let A, B is your building. At C point, B boy was and now it is at D point. Then we need CD. What we need? CD. Okay? Now, 1.5. So, this point take E F M. Okay. See here. A M is equal to A B minus 1.5. That means 30 minus 1.5. This is equal to 28.5 meter. Now, because 1.5 meter is the length of height of that boy, उस बच्चे का height है, तो अब हमें इस triangle में लेना है. In triangle, सबसे पहले, अब देखियो, आप लोग एक चीज और ध्यान से रखिएगा, बात ध्यान में, ये बात याद रखने की बात है, कि जब कभी भी कोई ऐसा question हो, जिसमें दो-दो figure बनता हो, तो हमारा focus होगा, कि common क्या आ रहा है. जो कॉमन होगा उसको फाइंड आउट करेंगे फिर निकाल देंगे. अब इन फिगर में ए एम एफ और ए एम ई में ए एम कॉमन आ रहा है तो हम पहला फोकस करेंगे कि ए एम निकालें. ठीक है, तो ए एम के लिए इन ट्रायंगल पहले लेते हैं. ए एम एफ थीटा इज इक्वल टू नाउ 60 डिग्री. सो हमें गिवन क्या है बेटा, परपेंडिकुलर निकालना बेस 10 60 डिग्री इज इक्वल टू
ए एम अपॉन एम एफ. दिस इज इक्वल टू ए एम इज योर 28.5 अपॉन ए एफ एम एफ. हमें मालूम नहीं है, मालूम करना है. टेन 60 डिग्री को लिख सकते हैं क्या? रूट थ्री. बिकॉज 1060 डिग्री क्या होता है हमारा? रूट थ्री होता है. रूट थ्री. अब इसको हम निकालेंगे 60 डिग्री को, तो ये क्या बनेगा? रूट थ्री से हम निकालें तो ये क्या बन जाएगा? दिस इज इक्वल टू 28.5 अपॉन एम एफ. दिस इंप्लाइज एम एफ इज इक्वल टू 28.5 अपॉन रूट थ्री. अब इसको हम रेशनलाइज करेंगे. रूट थ्री, रूट थ्री. नाउ इट बिकम्स एम एफ इज इक्वल टू 28.5 रूट थ्री अपॉन थ्री मीटर. एक तो हमें यह मिला. चाहो तो आप इसको कट भी कर सकते हो. यहीं पे रखते हैं पहले इसको. अब नेक्स्ट हम लोग इसके इस ट्रायंगल में ए एम ई, तब तक इस साइड हम जरा साफ कर लें. इन ट्रायंगल ए एम ई थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री. So, if theta is 30 degree, then what happened? Tan 30 degree is equal to, what we get? AM upon ME. Or, tan 30 degree is 1 upon root 3 is equal to 28.5 upon ME. This implies ME is equal to रूट थ्री इंटू 28.5. और इसको कट ही कर लो, आसान रहेगा माइनस करना. थ्री नाइन 27, 115.5. दिस इज इक्वल टू 9.5 रूट थ्री मीटर. ओके, 9.5 रूट थ्री मीटर. नाउ अब ये क्या मिल गया हमें? एम ई इज इक्वल टू 28. और यू शुड राइट एम ई इज इक्वल टू 28.5 रूट थ्री. दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन. नाउ वी नीड टू फाइंड सी डी. सी डी इज इक्वल टू ई एफ इज इक्वल टू एम ई माइनस एम एफ. और दिस इज इक्वल टू 28.5 रूट थ्री माइनस 9.5 रूट थ्री मीटर. दिस इज इक्वल टू 19 रूट थ्री मीटर. इसको माइनस करें देन व्हाट वी गेट? 19.3 मीटर. सो हमें क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मच, हाउ फार ही वॉक. तो लिखेंगे द बॉय walked 19 root 3 meter. That is your answer. Listen, if you are not writing this line, then you are eligible to deduct half marks. बेटा क्योंकि जो क्वेश्चन पूछा गया है आपको वही बनाना है. आपसे तो सीडी नहीं पूछा. सीडी, सीडी तो आपने फिगर में लिया है. आपसे पूछा है बच्चा कितना आगे बढ़ा, तो वो आगे के लिए आपको लिखना पड़ेगा. दैट इज क्लियर. अब ये यहां तक समझ में आ गया? नहीं समझ में आया तो आप सब्सक्राइब कर ही रखा है. सब्सक्राइब किया है तो कमेंट भी करना ही चाहिए आपको. मारना है एक कमेंट. ये क्वेश्चन अगले वीडियो में फिर दोबारा करवा दूंगा. लेकिन आप लोगों को सब्सक्राइब, लाइक, देखो अच्छा लगता है तो लाइक तो बनता है और सब्सक्राइब तो बनता है ताकि सारे के सारे मिलता जाए.
हम लोगों का एक परिवार बनता जाए, YouTube परिवार, और हम लोग उसमें बढ़ते चले जाए। अपने परिवार में जितना सदस्य हो उतना अच्छा है ना, इसलिए सबको सदस्यता दिलवाओ। आपको लगता है कि नहीं कुछ सजेशन की जरूरत है तो आप बोलो, हम उसको पूरा करेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लेके आते हैं, तब तक के लिए बाय।